अभिषेक कुमार बिग बॉस के फर्स्ट रनर अप रहे हैं। उनको ट्रॉफी उनके दोस्त मुनव्वर फारूकी को दरअसल मिल गई है और उनका कहना है कि मुनव्वर के जीतने पर वो खुश हैं। हालांकि ये भी सच है कि वो शुरू से ही शो के विजेता बनना चाहते थे। अंकिता लोखंडे टॉप 3 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। अभिषेक ने उन पर भी बात करते हुए बताया कि ऐसी क्या वजह रह गई कि अंकिता गेम में पीछे रह गई। अभिषेक टॉप 2 में पहुंचकर विजेता बनने से चूक गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हार और मुनव्वर की जीत पर उन्होंने खुलकर बात की। अभिषेक बोले कि मुनव्वर जीत गया और मैं खुश हूँ, लेकिन मैं जीतने के लिए ही खेल रहा था पहले दिन से ही। जीता नहीं तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। हालांकि जब मैं बाहर आया तो सुना कि लोग मेरी परफॉर्मेंस देखकर बेहद खुश हैं, उन्हें अच्छा लगा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभिषेक ने अंकिता लोखंडे के गेम पर भी बातचीत की। वहीं टॉप 3 में अपनी जगह वो नहीं बना पाई, ये हर किसी को शॉकिंग लगा। अभिषेक बोले, अंकिता जी कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखी हैं और वो काफी सोई हैं, गेम में इनपुट कम दिया है। बिग बॉस ग्रैंड फिनाले के बाद अंकिता लोखंडे के रिएक्शन के चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं। मीडिया ने उनसे मुनव्वर की जीत पर सवाल किया तो वो इग्नोर करके चली गई। इस पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। लोगों ने लिखा है कि मुनव्वर को भाई मानती थी, फिर मुंह क्यों फुला लिया है।